हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आप अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म जिसका की टाइटल है कोका। जी हाँ, फिल्म काफ़ी अच्छी है। डायरेक्शन दिया है कच्छे सिंह चौधरी ने। लीडिंग में आपको नजर आ रहे हैं गुरनाम भुल्लर और नीरू बाजवा। गुरनाम भुल्लर, सभी को पता है यार, गुरनाम भुल्लर की लास्ट फिल्म लेक और उसके सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद हुए थे, पॉपुलर हुए थे, तो ऑडियंस को काफ़ी मजा आया देखने के बाद। और नीरू बाजवा की बात की जाए तो यार, नीरू बाजवा काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है पंजाब इंडस्ट्री की, सभी को पता है। तो यार फिल्म, जाहिर सी बात है, फिल्म के बारे में मेरे को हाल फिलहाल ही पता चला, तो बस मैं भी ये चला आया कि भाई चलो अपडेट देते हैं। वेल, अगर बात की जाए फिल्म को लेकर तो एक लो बजट फिल्म है जिसका बजट 5 से 7 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो कि बस एक प्रेडिक्शन है, तो ध्यान से बात को याद रखिएगा। वेल, अभी जो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी फिल्म को लेकर, वो ये होगी कि इस फिल्म को इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली है, क्योंकि आज भी बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। तीसरी बात यह है कि सोखल सोख ने, जो कि अभी भी मोस्ट पॉपुलर चल रही है पंजाबी इंडस्ट्री से, तो काफ़ी अच्छा उसको लेवलअप मिला हुआ है, तो उसको पीटना इसके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा, बस वही बात है। और ये फिल्म आज भी मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं तो 70-80 लाख तक ओपनिंग ले सकती है इंडिया से, तो वहीं पर 1.5-2 करोड़ कमा सकती है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से। वेल, आपने ट्रेलर देखा कोका का, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपकी क्या ओपिनियन है फिल्म को लेकर, और आपकी उम्मीदें क्या हैं इस फिल्म से? क्या लगता है आपको कि फिल्म हिट होगी या फिर होगी फ्लॉप? आपकी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। और वीडियो को पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय, टेक केयर।